पुत्रों नारद जी प्रभु श्री राम से पूछ रहे हैं कि हे रघुबीर हे जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि सुनो मैं संतों के गुणों को कहता हूं जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूं खट विकार जितयन आया चला अयचल किंचन सुख धामा अमित बोध अनिहमित भोगी जय सियाराम राम जय जय असत्य सार कबी को बिदजोगी जय सियाराम जय जय हनुमान विशंत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये छ विकार होते हैं ए छ विकारों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल अकिंचन बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण अगुणागार संसार रहित विगत संदेह अतजी मम चरण सरोज प्रिय तीन कहु देह नगे गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देही प्रिय होती है और न घर ही अनिज गुन श्रवण सुनत सकुचाही जय सियाराम राम जय जय हनुमान अपर गुन सुनत अधिक हर साही जय सियाराम राम जय जय हनुमान अशम शीतल अनि असरल सुभाविशन प्रीति कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं और दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं शम और शीतल हैं न्याय का कभी त्याग नहीं करते सरल स्वभाव के होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं अ जप तप व्रत दमशन जमनेमा जय सियाराम राम जय जय हनुमान अगुर गोविंद विप्रपद प्रेमा जय सियाराम राम जय जय हनुमान श्रद्धा क्षमा अमैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति माया वे जप तप व्रत दम समझम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तो बोलिए जय सियाराम सियावर राम चंद्र की जय अयोध्या रामलला की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई शबु संतन की जय हर हर महादेव जय शिव शंभो